हेलो फ्रेंड्स, सीएसीएस फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ यूटिलिटी का अर्थ क्या होता है, यूटिलिटी के फीचर्स क्या हैं और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का आपस में रिलेशन क्या है। और आज के इस लेक्चर के अंदर जो कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, इसके अंदर हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं जिसके अंदर ये अजम्पशन ली जाती है कि यूटिलिटी को मेयर किया जाता है। तो आज इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूटिलिटी तो हमें पता ही है कि जो हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करती है, कि किसी भी कमोडिटी के अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। मार्जिनल यूटिलिटी का होता है कि जब हम एक अडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे टोटल यूटिलिटी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हम स्टडी करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का जो कंसेप्ट है इसको डॉक्टर मार्शल ने डिवेल्प किया था और ये एक फंडामेंटल लॉ है यूटिलिटी एनालिसिस का। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ का स्टॉक हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा, हम उसको ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम होती रहती है। इट्स ए फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द यूटिलिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी द यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फैक्ट व्हेन ए कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम द यूटिलिटी फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स गो ऑन डिमिनिशिंग। सक्सेसिव यूनिट्स का मतलब होता है एडिशनल यूनिट। जैसे मुझे भूख लगी है, पहली चपाती खाई, सेकंड चपाती खाई, तो जैसे जैसे चपातीज में और खाती जाऊंगी उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम होती जाएगी। डॉक्टर मार्शल ने इसको डिफाइन किया है द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ ए थिंग। कि अगर उसके पास जिन चीज़ों का स्टॉक है अगर उसके अंदर और इंक्रीज होती है तो नेचुरली उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है रिड्यूस होती जाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं एज ए कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी। कि अगर वो एक कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करता है और बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनकी कंजम्पशन को कांस्टेंट करता है तो जो कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है डैट गोज ऑन रिड्यूसिंग। देखो, जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी थ्योरी डेवलप की जाती है तो उसके अंदर अजम्पशंस का अर्थ होता है कि व्हाट आर दी कंडीशंस, कि जिनके अंदर क्या है कि ये लॉ जो है हमारा अप्लाई करता है। तो फर्स्ट तो इसकी यही है कि यूटिलिटी कैन बी मेयर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, जिसका अर्थ है कि यूटिलिटी को हम मेयर कर सकते हैं। अगर मैंने चाय पी है तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे इतने यूटिल्स, क्योंकि यूटिलिटी को हम यूटिल्स से मेयर करते हैं, भाई इतने यूटिल्स मुझे वहाँ से मिली है, यूटिलिटी मिली है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसको हम कॉन्स्टेंट मानते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी जो है इंडिपेंडेंट है। अगर मैंने चाय पी है उसके बाद कॉफ़ी पी है तो नेचुरली एक से मिलने वाली यूटिलिटी दूसरे यूटिलिटी को इफेक्ट नहीं करती, जो अलग अलग कमोडिटी है। तो हर एक कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है, डैट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर कमोडिटी। और उसी तरह क्या है कि जब हम कंजम्पशन करते हैं तो वो कंटिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि भूख लगी है तो एक चपाती अब खा ली, एक चपाती एक घंटे के बाद खा ली। और ये लॉ अगर एप्लीकेबल है तो कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। और जब हम कंजम्पशन करते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सेम क्वालिटी सेम साइज़ की होनी चाहिए। ये नहीं कि पहला मैंने फुल्का खा लिया, दूसरा मैंने पराठा खा लिया तो वहाँ पे सेम जो कंजम्पशन है उस, जैसे ये नहीं है कि पहले एप्पल जो है वो फीका खा लिया, दूसरा मीठा खा लिया। तो वो जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यूसली होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट क्वालिटी की, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी की होनी चाहिए और सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो, सुटेबल एंड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज़ कंज्यूम। और इसके अंदर हम ये भी मान के चलते हैं कि व्यक्ति के जो टेस्ट हैबिट्स हैं फैशंस हैं वो भी जो होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं।
और उसी तरह हम यहाँ पे ये नो चेंज इन द इनकम फैशन हैबिट्स एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, और जो गुड्स बंदे कंज्यूम कर रहे हैं वो नॉर्मल होते हैं और गुड्स को हम छोटी छोटी मात्रा के अंदर जो है ले सकते हैं। अब हम इस लॉ को जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे कि इस टेबल से पता है कि जैसे जैसे हम आइसक्रीम के कप जो है ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम होती जाएगी। तो देखो यहाँ तक पॉजिटिव है, जब हम फिफ्थ यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाते हैं तो वहाँ पे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ये जो पॉइंट है डैट इज़ द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, जहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई है। उसके बाद अगर हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिलती है। तो इसका जो टेबल का एक्सप्लेनेशन है वो भी आपने लिखना है। कई बच्चों को आदत होती है, क्योंकि हमने मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको पेपर जो है सब्जेक्टिव आता है, जिन्होंने 35 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन करना होता है। उसके अंदर आपने एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखना होता है कि एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम द यूटिलिटी गोज ऑन रिड्यूसिंग, एट द फिफ्थ यूनिट इट बिकम ज़ीरो, एट द सिक्स्थ यूनिट इट बिकम्स नेगेटिव। अब हम इसको ग्राफिकली जो है इस तरह से शो कर सकते हैं। देखो जो ओ एक्सिस है उस पर हम क्वांटिटी लेते हैं, इसको हम इस तरह से जो है यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं। और उसी तरह देखो 2, 4, 6, 8 और इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी जाता है तो ये 0 है तो ये 2 है। तो उसी तरह क्या है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 स्केल के साथ जो है हमने ड्रॉ करना है। तो नेचुरली ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से इसकी शेप होगी। तो जो इंडिकेट करती है कि देखो जो हमने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो वहाँ पे हमें ज़ीरो यूटिलिटी मिलती है। डैट इज़ द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, डैट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टैटी, जहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई है। उसके बाद अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उसके बाद अगर हम सिक्स यूनिट भी कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से हमें नेगेटिव यूटिलिटी जो है मिलती है। और उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और जो बताती है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं उससे यूटिलिटी जो मिलती है वो कम होती जाती है। एंड फिफ्थ यूनिट इट बिकम्स ज़ीरो एंड सिक्स यूनिट इट बिकम्स नेगेटिव। हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज। देखो एक तो क्या है, कमोडिटी जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि अगर कॉफ़ी की जगह पे हम टी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो लिमिटेड एक्सटेंट तक करते हैं। अगर हम कॉफ़ी की जगह पे टी का इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली जैसे जैसे टी का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी। कमोडिटी जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती, वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो उनका जो है उनको हमने एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना होता है, और जब ये प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो नेचुरली जैसे जैसे जिस चीज़ को हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो रिड्यूस होती जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि हमारी बहुत सारी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, सब वांट्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट पर्टिकुलर वांट को, जैसे मुझे भूख लगी है तो मैं उससे सेटिस्फाई कर सकती हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाती है। और उसी तरह कुछ चीज़ें जो होती हैं उनकी बहुत सारी यूजेज़ होती हैं, तो जब वो लिमिटेड होती हैं तब, क्योंकि उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है तो हम उनको इम्पॉर्टेंट चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं। बट अगर क्या होता है कि उनकी अगर वो अबंडेंस में अवेलेबल है तो नेचुरली हम जहाँ पे जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी यूटिलिटी कम होती है। जैसे मिल्क है तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बट अगर मिल्क हमारे पास कम है तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसको हम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर घर के अंदर बच्चे हैं, बीमार हैं या ओल्ड पर्सन है, तो उनको हम कंज्यूम करने के लिए देंगे। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि लॉ जो यूटिलिटी है डैट गोज ऑन रिड्यूसिंग। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस का अर्थ होता है कि अपवाद। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी गोज ऑन रिड्यूसिंग। एक्सेप्शन कहती है कि ऐसा नहीं है कि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो ये एक्सेप्शन है। अब हम इन एक्सेप्शन को स्टडी करेंगे कि क्या ये एक्सेप्शन सही है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है इनिशियल यूनिट, कि जब इनिशियल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर यूज्ड इन वेरी स्मॉल देन द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है डैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब देखो अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं चमचों से पानी पी रही हूँ, तो डेफिनेटली
जैसे जैसे चमचों से मैं पानी कंज्यूम करूँगी तो उससे यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट हमारी अजम्पशन क्या है, ये एक्सेप्शन भी ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या है कि हमने जो कंजम्पशन करनी है वो एप्रोप्रिएट क्वालिटी और क्वान्टिटी की करनी है। और उसी तरह सेकेंड जो एक्सेप्शन है डैट इज़ दी रेयर एंड क्यूरियस थिंग्स। देखो कई लोगों को आता है एंटीक चीज़ें करनी, कॉइन्स इकट्ठे करने, पेंटिंग्स, ओल्ड स्टैम्प्स, तो यहाँ पे वो जो है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है एप्लीकेबल नहीं है। बट ये अजम्पशन भी सही नहीं है, यहाँ पे भी लॉ एप्लीकेबल है। अगर देखो जैसे मान लो कोई बंदा सिक्के कलेक्ट करता है, अगर उसके पास एक ही देश के सिक्के बार बार आए जा रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है डैट गोज ऑन रिड्यूसिंग। और उसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लॉ है जो शराबी होते हैं उनको भी एप्लीकेबल नहीं है, जैसे जैसे वो ज़्यादा शराब के पैक चढ़ाता है तो उसको ज़्यादा सुरूर चढ़ता रहता है तो उसकी यूटिलिटी डैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। बट ये एक्सेप्शन भी ट्रू नहीं है, एक सीमा के बाद क्या होता है कि वो अपने सेंसेस लूज कर जाता है, कई बार उसको वॉमिट शुरू हो जाती है, कई बार वो गिर जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो है यूटिलिटी एप्लीकेबल है। और उसी तरह कंजूस लोग जिनको हम माइजर्स कहते हैं कि उनकी जो पैसे के लिए डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसको हम कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बट ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बचपन में भी एक कहानी सुनी थी कि एक राजा होता है, वो कहता है हर जिस चीज़ को भी हाथ लगाओ तो गोल्ड हो जाए, तो खाना भी खाता है तो वो भी गोल्ड हो जाता है। तो माइजर का भी यहाँ पे ये हाल है कि देखो जैसे जैसे एक, क्योंकि एक सीमा ऐसी आएगी कि जब जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती जाएगी तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी, और जो फूड आइटम्स है उससे मिलने वाली यूटिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये लॉ जो है कंजूस बंदों पर भी एप्लीकेबल है। और उसी तरह क्या होता है कि अच्छी बुक, पोइम या म्यूज़िक को बार बार सुनने से मन करता है, तो ये लॉ वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। बट ये भी गलत बात है, देखो जैसे गाना कोई पॉपुलर होता है तो हम जाते हैं हर किसी भी फंक्शन पे जाते हैं तो वो गाना बार बार वहाँ पे बजता है तो हमें इरिटेशन होने शुरू हो जाती है। जब हम एक ही बुक को या एक ही पोएम को या एक ही मूवी को बार बार रिपीटेडली देखेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है कम हो जाती है।